फ्रेंड्स देखते रहिए एमडी टॉकीज आपका अपना यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि टू व्हीलर का इंश्योरेंस ऑनलाइन कैसे आप बाय कर सकते हैं पॉलिसी बाजार से। तो सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर आप ओपन कर लीजिए और आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जी। कोई भी एक ब्राउजर क्रोम ओपन कर लीजिए, यहाँ पर आपको टाइप करना है पॉलिसी बाजार जी। ये बात सर्च कर दीजिए, आपको नीचे करना है डाउन, ये देखिए पॉलिसी बाजार का ये वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है ओनली पॉलिसी बाजार, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए पॉलिसी बाजार का बहुत सारा सर्विसेज है, टू व्हीलर हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस ट्रेवल इंश्योरेंस बस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा टू व्हीलर्स के बारे में, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना व्हीकल नंबर डालना है, उसके बाद गेट क्वार्टर में करना है, विदाउट व्हीकल नंबर भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए सेव अप टू 85% ऑन टू व्हीलर्स इंश्योरेंस, 85% तक आप सेव कर सकते हैं। तो आप अपना व्हीकल नंबर डाल के गेट कॉर्ड्स पे क्लिक कर दीजिए। L1550 के बाद ग्रीन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास इस टाइप का पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको कंपनी चॉइस करना है, कौन सा कंपनी का आपका बाइक है, फिर मॉडल सेलेक्ट कर लीजिए कौन मॉडल से आपका टू व्हीलर्स का मॉडल। ये देखिए बजाज मैंने सेलेक्ट किया, बजाज का जितने मॉडल से सारे आ जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा मॉडल से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए F220 इलेक्ट्रिक स्टार्ट, यहाँ पे सेलेक्ट रजिस्टर्ड ईयर, किस साल को आपने परचेस किया था, रजिस्ट्रेशन ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट प्रीवियस इंश्योरेंस, पहला इंश्योरेंस कंपनी कौन था, तो यहाँ से आप सारा प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए जो आपका है। हैज़ योर करंट पॉलिसी एक्सपायर, अगर एक्सपायर हो गया तो एक्सपायर पे क्लिक करें, नॉट एक्सपायर तो नॉट एक्सपायर पे क्लिक कर सकते हैं आप। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आएगा, जस्ट ये देखिए विच कवर डिड यू हैव ऑन योर एक्सपायरी पॉलिसी, थर्ड पार्टी पॉलिसी है आपका या कंप्रेंसिव है, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट बैक लिए तो कंप्रेंसिव पे सेलेक्ट की लीजिए। यहाँ पे देखिए सारा कंपनी का अलग अलग प्राइस में आ चुका है, आपके कम है बेसी आपके हिसाब से आप सेलेक्ट करके करवा सकते हैं, और आप वो जो कंपनी में पहले था वो कंपनी में भी आप करा सकते हैं, किसी और कंपनी में भी करवा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है एड प्लस पे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज आएगा, ये देखिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर, तो इस पर चेक कीजिएगा तो आपको 5 लाख तक पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है, आपको नहीं करना है तो नहीं भी करवा सकते हैं। यूनाइटेड का अलग अलग है, इंडियन लेवल 1577, बजाज अलियंस का आपका 2005 है, सबका अलग अलग है। आई देखिए ये IDB सेलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करके IDB भी आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे 27 मिनिमम है, मैक्सिमम है आपके एडिट हो तो आप मैक्सिमम ही कर लीजिए, क्योंकि 1 या 200 का डिफरेंस होता है, तो आप मैक्सिमम रखेंगे तो आपका फ़ायदा है। करके यहाँ अपडेट कर दीजिएगा, यहाँ पे ये चेक कर लीजिए, पहले आपका 13 था अभी 14,200 का डिफरेंस है। और PBS NCB भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर से, यहाँ क्लिक कीजिएगा, वाज देयर एनी क्लेम इन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का आपका कोई क्लेम हुआ तो यस पे मारिए, नहीं ना तो नो पे आप क्लिक कर लीजिए। व्हाट वाज द प्रीवियस NCB, 0 तो हो गए नहीं तो 20 पे क्लिक कर लीजिए, 1430 आ गया, तो आप जिसमें प्रीवियस कंपनी था आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या दूसरा कंपनी में आपको करवाना है इंश्योरेंस तो वो भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके यहाँ से देख सकते हैं। सारा कंपनी का अलग है, आपको 1400 से 2000 तक आ गया है, तो आप अपने बजट के हिसाब से पॉलिसी बाजार से सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा मैग्मा SBI में था तो मैं मैग्मा ही का सेलेक्ट करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊँगा। तो व्हीकल ऑनर नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कम्युनिकेशन एड्रेस, इसके बाद इन केस ऑफ यू आर नॉट एबल टू लोकेट योर सिटी प्लीज़ इंटर योर नियरेस्ट लार्जेस्ट सिटी, दिस विल बी नॉट मैच योर पॉलिसी और प्लान,
हाँ, उसके बाद आपको पिन कोड डालने के बाद कंटिन्यू टू स्टेप टू पे आपको क्लिक कर देना है। थ्री स्टेप में ये स्टेप टू चल रहा है, उसके बाद ये स्टेप थ्री आ गया। आपको नॉमिनी नेम डालना है, नॉमिनी रिलेशनशिप एज यहाँ से आप एडिट करके सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इज व्हीकल फाइनेंस, अगर फाइनेंस में व्हीकल आप लिए तो फाइनेंस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिए। फाइनेंस में हुआ तो आप फाइनेंस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे चेकआउट कर लीजिए। मैंने फाइनेंस भी किया इसलिए मैंने फाइनेंस चेक किया। इसके बाद कंटिन्यू टू स्टेप थ्री पे आपको क्लिक कर देना है। टू फाइनेंस जो तो यहाँ पे आप नाम डालेगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, सारा फिलअप हो चुका है। तो कंटिन्यू टू स्टेप थ्री, स्टेप थ्री आ गया आपका व्हीकल नंबर, इंजन नंबर, चेजिस नंबर, प्रीवियस इंश्योरड, प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी डेट। यहाँ से सारा डिटेल आप डाल दीजिए। वाज देयर एनी क्लेम इज लास्ट ईयर, नो सेलेक्ट एन सी बी, जीरो तो नहीं होगा, नहीं जानते डू नॉट नो, या 20 पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से इज द नेम ऑफ ओनर ऑन आर सी आर इंश्योरेंस पॉलिसी सेम, यस सेम ही होगा, यस पे सिलेक्ट कर दीजिए आप। यहाँ पे उसके बाद सेड एंड प्रोसीड पिक कर देना है आपको, तो मैं आपको सारा फिलअप करके दिखा देता हूँ। मैं ये कुछ भी करेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, मैं जैसे आपको दिखाने के लिए फिलअप कर दे रहा हूँ। आप अपना कुछ भी डालिए तो एक बार सही से चेक कर लीजिए, क्योंकि आप अगर गलत करेंगे तो पॉलिस इसमें आपको इंडिकेट नहीं करेगा कि आपने रॉन्ग फिलअप किया है, पे करने के बाद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार सही से चेक करके आप फिलअप करना। मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कुछ भी डाल दे रहा हूँ। फिर आपको कर देना सेव एंड प्रोसीड। ये देखिए ओल्ड प्रीमियम आपका इतना था, अपडेट प्रीमियम 1617 है, क्योंकि बहुत सारे मैंने एडिट भी किया है इसी वजह से। ये प्रीमियम है चेंज, सेव एंड कंटिन्यू पे ग्रीन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, अगर पेटीएम से पे करते हैं 169 टोटल आपको पे करना है 190 है, GST 291 GST लग गया आपका। पर्सनल डिटेल यहाँ पे आके ये दीजिए, पर्सनल डिटेल, व्हीकल एंड पॉलिसी डिटेल दिया हुआ है, एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए। और सबसे अच्छा यहाँ पे आपका गेट अप व्हाट्सअप, इसको चेक करना है, ब्लू कर दीजिए तो आपको व्हाट्सअप पे नोटिफिकेशन मिलते रहेगी, नहीं आपको चाहिए तो आप एक बार पूरा अपना डिटेल आप चेक कर लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम होगा तो आपका इंडिकेट नहीं करता है आप पॉलिसी वाला। चेक करने के बाद आप पे प्रोसीड मारने के बाद आपका कुछ इस तरह का पे जाएगा। ये पेटीएम में, पेटीएम के थ्रू आप पे कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आप पॉलिसी EMI में भी परचेस कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारा ऑप्शन है। EMI में आप परचेस करेंगे तो कौन कौन सा बैंक से आप ये कर सकते हैं, ये भी डिटेल दिया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नेटवर्क बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, RBL बैंक, क्रेडिट कार्ड, ये सारे से आप EMI में परचेस कर सकते हैं पॉलिसी। जैसे आपको कार्ड नंबर डालना है, पूरा नेट बैंकिंग, जिस तरह प्रोसेस में आप पे करना चाहते हैं पे कर सकते हैं। मैं तो अभी पे नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पॉलिसी भी खरीदना नहीं है। आप इसी प्रोसेस पे कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपके जितने व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, सारे पे आप शेयर कर सकते हैं। आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में भी नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और फेसबुक पे पेज भी है मेरा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है MD Talkies, आप पेज भी चेकआउट कर सकते हैं।